नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में आपका। कंपेयर करते हैं ब्रेजा 2024 के VXI CNG को ZXI CNG के साथ। तकरीबन 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा डिमांड करता है आपका ZXI वेरिएंट VXI के मुकाबले। उस 1.5 लाख रुपए में एक्स्ट्रा क्या फीचर्स मिलते हैं, वैल्यू फॉर मनी परपोजिशन में कौन सा वेरिएंट फिट बैठेगा, ये पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। दोस्तों अंत तक वीडियो को जरूर देखना। अभी रिसेंटली 2024 में ZXI सिंपल पेट्रोल के साथ मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको स्मार्ट हाइब्रिड मिलना शुरू हो गया है, तो देखते हैं क्या CNG के साथ मिलता है आपको। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों। सबसे पहले फ्रंट फेस की बात करें, ZXI आपको देखते पता चल जाएगा दोस्तों एक ज़्यादा फीचर रिच, एक मोर प्रीमियम वेरियंट है किसके मुकाबले, VXI के। क्योंकि ZXI से आपको डुअल LED प्रोजेक्टर लाइट मिलती हैं, DRL मिलती हैं और LED ही क्या टर्न इंडिकेटर मिलते हैं। वैसी कोई भी चीज़ आपको VXI में नहीं मिलेगी। यहाँ प्रोजेक्टर मिलता है येलो बीम के साथ, उसी हाउसिंग में छोटी पोजिशन लाइट है और उसी के बगल में आपको इंडिकेटर बल्ब जलता है। तो ये चीज़ है दोस्तों, बहुत सारे फीचर डिफरेंस देखने को मिलेंगे आपको धीरे धीरे। मेन जो ग्रिल वगैरह है, क्रोम वगैरह इस्तेमाल, ग्लोसी एलिमेंट का इस्तेमाल, ये एक्जैक्टली सेम देखने को मिलेगा आपको दोनों इवेंट्स में, चाहे VXI ले लीजिए या ZXI ले लीजिए। फॉग लैंप दोनों इवेंट्स में आपको नहीं मिलते हैं, एक्स्ट्रा परचेज करके या एक्स्ट्रा पे करके आप लगवा सकते हैं। जेन्युइन एसेसरी के तौर पे अवेलेबल जरूर रहते हैं। जो स्किड प्लेट है ZXI में, वो सिल्वर फिनिश के साथ मिलती है। VXI में आपकी पूरी ब्लैकआउट मिलेगी, ये भी एक चीज़ है दोस्तों। ए पिलर दोनों में ब्लैकआउट मिलता है आपको, 16 इंच के टायर मिलते हैं दोनों में ही। लेकिन VXI में आपको क्या है, स्टील रिम मिलेंगे कवर के साथ दोस्तों। उसकी जो प्रोफाइल है वो चेक करा देता हूँ मैं आपको, 215/60R16। ये आपके हैं ZXI के ब्लैक पेंटेड अलॉय व्हील मिलते हैं, देखिए 215/60R16 प्रोफाइल एग्जैक्टली सेम मिलती है। तो फायदा ये है, इन्हीं टायरों के साथ एक्स्ट्रा पे करके आप अलॉय व्हील डलवा सकते हैं। काफ़ी चंकी क्लैडिंग मिलती है दोनों गाड़ियों में, बराबर तौर पर मिलेगी आपको। दोनों की जो ग्राउंड क्लियरेंस एग्जैक्टली सेम रहने वाली है 198mm की, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मैकफर्सन स्ट्रेट का सस्पेंशन मिलता है आगे आपको, बड़ा ही बेहतरीन सस्पेंशन, अच्छी राइड क्वालिटी मिलती है आपको। टर्न इंडिकेटर कहाँ मिलते हैं, ओआरएम के ऊपर, दोनों गाड़ियों में एग्जैक्टली सेम मिलेंगे आपके, ये अच्छी बात है। LED के तौर पे काम करते हैं ये। रूफ रेल और सनरूफ आपको ZXI में मिलेगी, ये चीज़ आपको VXI में नहीं मिलती है। रिक्वेस्ट सेंसर कीलेस एंट्री को सपोर्ट करता है आपका ZXI वेरिएंट, ऐसी कोई भी चीज़ आपको VXI में नहीं मिलेगी। और रिक्वेस्ट सेंसर आपको ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड वाले दोनों डोर्स में मिलता है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। इसकी कीमत अभी जान पाते हैं आप, कहीं टाइट पार्किंग में गाड़ी खड़ी होती है ना आपकी, ड्राइवर साइड आप नहीं बैठ पाते हैं, दरवाज़ा नहीं खोल पाते हैं, तो कोई आपको सामान लेना है, कुछ काम करना है, तो आप को ड्राइवर साइड से भी ले सकते हैं। 48 लीटर का आपको पेट्रोल टैंक मिलता है, दोनों वेरियंट्स में एग्जैक्टली सेम रहेगा दोस्तों। अब आते हैं पीछे, आरोप करते हैं, जो टेल लाइट का डिज़ाइन है वो एग्जैक्टली सेम रहने वाला है दोनों गाड़ियों में, कोई फ़र्क देखने को मिलेगा नहीं आपको। LED वगैरह इस्तेमाल बड़े शानदार तरीके से किया गया है, आप मार्केट फील होती है काफ़ी। CNG की बैजिंग, शार्क फिन एंटीना दोनों मिलेगा आपको। नज़दीक से देखते हैं अब क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ डिफॉगर मिल रहा है VXI में आपको पीछे वाले ग्लास पे, कैमरा वगैरह नहीं मिल रहा है, ये चीज़ मिसिंग रहेगी। पार्किंग सेंसर 4 मिलते हैं और नीचे बम्फर में रिफ्लेक्टर दिया गया है। अगर इसी चीज़ को यहाँ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर भी जो पीछे वाले स्किड प्लेट है ना दोस्तों, VXI में तो ब्लैकआउट मिल रही थी वो, लेकिन ZXI में आपकी यहाँ पर भी सिल्वर फिनिश मिलती है जैसे आगे मिल रही थी। 4 पार्किंग सेंसर, रिफ्लेक्टर वगैरह सब चीज़ें मिलती हैं। एड ऑन क्या है, कैमरा मिलने लग जाता है आपको ZXI वेरियंट से। रियर वाइपर वाशर ये ZXI में मिलता है आपको, VXI में सिर्फ डिफॉगर मिलेगा, इसमें आपको वाइपर वाशर दोनों चीज़ें मिलने लग जाती हैं। CNG वगैरह की बैजिंग रहेगी। ओहो, यहाँ पर आपको स्मार्ट हाइब्रिड नहीं मिलता है दोस्तों। ZXI यदि आप CNG के साथ लेना चाहते हैं तो स्मार्ट हाइब्रिड आपको नहीं मिलेगा, मैनुअल पेट्रोल के साथ लेंगे तो भी मिलता है आपको। अब बारी आती है बूट स्पेस की, ये चीज़ देख रहे हैं आप, तो सिर्फ और सिर्फ यदि बूट को ओपन करना चाहते हैं आप, तो चाबी आपकी जेब में रहेगी, तो यहाँ पर भी रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है आपको, इसको दबाएं अनलॉक करके और यहाँ से ओपन कर सकते हैं इसको। ये चीज़ सिर्फ आपको ZXI मिल रही है, VXI में नहीं मिलेगी। पार्सल ट्रे मिल रही है ZXI में आपको, बड़ी बेहतरीन तरीके से कवर किया गया है। वैसे अगर सिलेंडर ना हो तो 300 से ऊपर लीटर का बूट स्पेस आपको मिलता है दोस्तों देखने को, लेकिन सिलेंडर होने के बाद थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है, छोटे मोटे बैग रख पाएंगे आप, ये चीज़ रहेगी। लगेज लैंप जरूर मिलता है, और जैसे वाले बाहर वाला टायर है उसी प्रोफाइल का आपको स्टील रिम मिलेगा, अलॉय व्हील नहीं मिलेगा स्पेयर व्हील के तौर पर, लेकिन स्टील रिम जरूर मिलता है। लो जी, अब VXI के दर्शन कर लेते हैं बूट स्पेस के। पार्सल ट्रे यहाँ जरूर मिलती है दोस्तों, लगेज लैंप नहीं मिलेगा VXI में आपको, बाकी चीज़ें सेम टू सेम रहेंगी, स्पेयर व्हील वगैरह एग्जैक्टली सेम मिलता है आपको रेगुलर टायर के तौर पे।
इसकी वेरिएंट के साथ एक अच्छी बात ये रहेगी दोस्तों कि बाहर भी स्टील रिम और ये भी स्टील रिम है, तो सीधा कोई टायर में खराबी आ जाती है तो लंबे समय या प्रॉपर टायर के तौर पर आप स्पेयर व्हील को यूज कर सकते हैं। यहाँ आपको हाँ 60-40 स्प्लिट नहीं मिलता है VXI में, जो कि ZXI में मिल रहा था। हालांकि सिलेंडर के साथ 60-40 का बहुत ज़्यादा यूज नहीं रह जाता है, लेकिन फिर भी कंपनी दे रही है तो देख लेते हैं दोस्तों। अब इंटीरियर की शुरुआत करते हैं पहले VXI से। यहाँ अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक है दोस्तों, ये ब्लैकआउट डोर ओपनिंग हैंडल मिलते हैं आपको, पावर विंडो कंट्रोल सभी मिलेंगे, लेकिन ये इल्यूमिनेशन नहीं है इसमें, बैकलाइट नहीं जलती है। यहाँ पे आपकी बोतल बैठ जाएगी, स्पीकर मिलते हैं, चार स्पीकर हमें सिस्टम मिलता है दोस्तों, ट्विटर नहीं मिलते हैं इसमें, और अंडर थाई स्पेस वगैरह ठीक है। 5'10" तक के बंदे आप तो अंडर थाई स्पेस की कमी महसूस नहीं होगी, उससे लंबे होंगे थोड़ा सा हो सकती है फिर दिक्कत रहे दोस्तों। दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, आर्म रेस्ट नहीं मिलता है VXI में आपको, AC वेंट्स मिलते हैं, चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलता है, और बीच में जो टनल है वो भी थोड़ी सी ऊपर की तरफ होगी, तो बीच में जो बंदा बैठेगा उसको साथ वाले बंदों के साथ अपने लेग के लिए स्पेस का शेयरिंग करनी पड़ेगी। फैब्रिक वगैरह अच्छी क्वालिटी का है। अच्छी बात यह कि दोनों सीटों के पीछे आपको मैगजीन होल्डर मिलता है, और यहाँ बीच में ग्रीडिंग लैम्प मिल रहा है आपको, ये बेहतरीन है चीज़ है। इस पैकेट में आपके क्या है, कवर है स्टील रिम के ऊपर लगते हैं जो। यहाँ देखिए ये आपका ZXI, पहला फ़र्क तुरंत यहाँ पता चल जाएगा। यहाँ पर जो फैब्रिक है वो थोड़ा सा कलर यूज़ किया गया, जैसे वहाँ पर आपका ब्लैक था तो कलर थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर फील होता है, डुअल टोन का इफेक्ट देता है। ये भी सिल्वर इंसेंट वगैरह दिए गए हैं, डोर ओपनिंग हैंडल भी क्रोम में मिलते हैं आपके, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी दोस्तों। ये बटन वगैरह यहाँ पर भी लाइट वगैरह नहीं चलती है इसमें। एडजस्टेबल हेडरेस्ट दोनों बंदों के लिए मिलते हैं, और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको कप होल्डर के साथ क्या मिलता है, आर्मरेस्ट मिलने लग जाता है दोस्तों, तो ये चीज़ जरूर रहेगी। देखिए 60-40 स्प्लिट मिलता है। यहाँ रीडिंग लैंप पीछे अलग से मिलेगा आपको, ये वाला, जो सिर्फ आपकी ड्राइविंग वगैरह को डिस्टर्ब ना करके आप पीछे भी जला कर उसको रख सकते हैं, तो ये चीज़ जरूर रहेगी। पीछे 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिलता है, और AC वेंट तो मिलते हैं। जैसे टेक्सचर यहाँ पर था दोस्तों, यही वाला टेक्सचर आपको सीटों के अंदर भी देखने को मिलेगा। मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की आपको, देखिए हल्का फुल्का ध्यान से देखेंगे तो ही होता है। आइसोफिक्स साइड माउंट्स वगैरह ये बेस मॉडल से मिल रहे हैं आपको, जो बेसिक सेफ्टी फीचर है ना वो बेस मॉडल से मिल रहे हैं, तो ऐसा ना समझे कि सेफ्टी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज वगैरह किया कंपनी ने। ये आपकी फ्रंट सीट है दोस्तों, सभी पावर विंडो वगैरह जो ORV में इलेक्ट्रिकल फोल्ड भी कर सकते हैं आप एडजस्टमेंट के साथ, ड्राइवर साइड ऑटो अप और डाउन दोनों तरीके से काम करती है, तो एक अच्छी चीज़ है। यहाँ ट्विटर नहीं मिलते हैं VXI में आपको, सिर्फ ये कटआउट दे रखा है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। जो ड्राइवर सीट है वो व्हाइट कलर एडजस्टेबल आपकी VXI से, ये बड़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे। ये फ्लाई स्विच है CNG से पेट्रोल, पेट्रोल से CNG पे कन्वर्ट करने के लिए। ये आपका हेडलाइट लेवल के लिए। अब बैठ जाएं गाड़ी के अंदर। यहाँ बड़ी अच्छी चीज़ लगती है, मारुति ने बड़ा अच्छा काम किया है कि हुड और फ्यूल कैप को ओपन करने के लिए बड़े अच्छे तरीके से प्लेसमेंट दी इन बटनों की, ज़्यादा नीचे वाले जो होते हैं वो अजीब से लगते हैं दोस्तों, ये चीज़ बेहतर की है कंपनी ने। स्टेयरिंग व्हील के ऊपर आपको इन्फोटेनमेंट स्क्रीन को टेलीफोनिक कंट्रोल मिलते हैं, बाकी चीज़ें नहीं मिलेंगी VXI में। और ऐसी चाबी मिलती है दोनों ही, रिमोट के साथ लॉक अनलॉक बटन मिलेगा बस, जैसे नॉर्मल मारुति गाड़ी के साथ मिलता है। ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है आपको बेसिक सा, मोनोक्रोम लाइट के साथ MID है, और ये बटन दबाएंगे तो आपकी अलग अलग जानकारी आप ले सकते हैं, रेंज वगैरह, माइलेज, टोटल कितनी किलोमीटर चली है गाड़ी, वो चीज़ें हैं ऊपर। यहाँ देखिए टेम्परेचर आउटसाइड का और टाइम वगैरह सब शो हो रहा है, हालांकि ये गलत है, अभी बाद में ठीक करना पड़ेगा। CNG और पेट्रोल के चीज़ अलग अलग मिलते हैं आपको, और गाड़ी को एक बार स्टार्ट करके दिखा दें, और स्टार्ट है तो RPM मीटर थोड़ा सा ऊपर काम करेगा, और ये पेट्रोल पे स्टार्ट होती है। पेट्रोल पे स्टार्ट होना इसलिए भी ज़्यादा बेहतर रहता है क्योंकि लुब्रिकेशन पावर ज़्यादा बेहतर रहती है पेट्रोल इंजन की, या पेट्रोल के स्टार्ट साथ जो स्टार्ट हुआ इंजन होता है CNG के मुकाबले, तो कुछ कंपनियां दावा करती हैं डायरेक्ट CNG पे स्टार्ट होना, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा बेहतर नहीं होता इंजन के लिए। तो मारुति ने काफ़ी अच्छा एक शॉर्टेड काम किया दोस्तों। स्टेयरिंग व्हील आपका यहाँ सिर्फ टिल्ट को सपोर्ट करता है, टेलीस्कोपिक नहीं रहेगा VXI में, ये चीज़ रहेगी। रिफाइनमेंट वगैरह आला दर्जे की है दोस्तों, किसी प्रकार कोई वाइब्रेशन वगैरह ज़्यादा नॉइज वगैरह कैबिन के अंदर फिल्टर नहीं होती हैं। ये स्मार्ट प्ले इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है आपको, रिवर्स गियर लगाएंगे तो कुछ नहीं, राम और श्याम है यहाँ पर, बस एक बीप की आवाज आती है, कोई ग्राफिक वगैरह चेंज नहीं है। इसका टच रिस्पॉन्स ठीक ठाक है दोस्तों, मैं तो नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा हाई-फाई है ये, लेकिन ठीक है फिर भी। साउंड आउटपुट भी डिसेंट है इसका, चार स्पीकर जो मिलता है,
ऑटोमेटिक एसी मिलता है आपको VXI से, ये अच्छी बात है। 12 वोल्ट का सॉकेट और एंड्रॉइड ऑटो या फिर क्या कार प्ले चलाना हो वायर के माध्यम से, तो यहाँ ए टाइप का पोर्ट भी दे रखा है आपको। 5 स्पीड का गेयरबॉक्स रहेगा, यहाँ काफ़ी सारे स्पेस मिलते हैं आपको कप होल्डर के तौर पे। सिल्वर इंसर्ट दे रखे हैं, डैशबोर्ड में अच्छा महसूस कराते हैं। 2 एयरबैग मिलते हैं सेफ्टी के लिए आपको, ABS EBD मिलता है, हिल होल्ड मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये देखिए यहाँ पर ग्लोव बॉक्स का साइज भी डिसेंट है आपको। ये मैनुअल IRM रहेगा आपका, ब्लूटूथ के लिए माइक, फ्लैप के साथ वैनिटी मिरर मिलता है आपको VXI में, ये अच्छी चीज़ है। को ड्राइवर सीट पे, और ड्राइवर सीट पे सिर्फ टिकट होल्डर मिलेगा। तो ये बेसिक कुछ फीचर वगैरह दोस्तों, सीटों के कम्फर्ट को लेकर कोई संदेह नहीं है। काफ़ी अच्छी कुशनिंग है, काफ़ी अच्छा आपको थाई सपोर्ट दे रखी है, शोल्डर सपोर्ट दे रखी है, तो पकड़ के रखेंगे अच्छा महसूस कराएंगे सीटें वगैरह, और बॉनेट वगैरह भी बराबर तरीके से विजिबल होता है, तो अच्छी पोजीशन बैठते हैं आप। इसलिए इस गाड़ी की सेल्स फिगर इतनी अच्छी है दोस्तों कि इसमें गुण बहुत सारे हैं। अब लेके चलते हैं आपको ZXI में। ये फैब्रिक जैसे पीछे था वैसे आगे यूज किया गया है, यहाँ एक्स्ट्रा चीज़ कोई नहीं है दोस्तों। जैसे VXI में बटन थे बिल्कुल वैसे देखने मिलते हैं, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट वगैरह नहीं है डिज़ाइन का, बस ये कि सिल्वर फिनिश और ये डोर ओपनिंग हैंडल जो है क्रोम फिनिशिंग में मिलते हैं। यहाँ पर भी जो ड्राइवर सीट है वाइट कलर एडजस्टेबल मिलेगी आपको, ये सेम स्पेसिंग वगैरह है, हेड पैडल वगैरह मिलता है आपको। जो एड ऑन हो अंदर बैठ के दिखाऊंगा दोस्तों क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो क्या है, जो की फोब है आपका वो कैसा मिलता है, रिमोट वाली चाबी मिलती है ZXI में आपको लोकल नोके बटन के साथ, तो सिर्फ जेब में रखिए बाकी सारे काम आप टच के माध्यम से कर सकते हैं। ये बटन सेम है लेकिन पुश बटन क्या है ये एक्स्ट्रा मिलता है आपको ZXI में, जो कि वहाँ नहीं मिल रहा था। और स्टेयरिंग व्हील के ऊपर ये कंट्रोल एक्स्ट्रा मिलते हैं, क्रूज कंट्रोल की एंट्री हो जाती है। उसके बाद जो स्टेयरिंग व्हील आपका वो टिल्ट भी है, टेलीस्कोपिक भी है, बिल्कुल दोनों एडजस्टमेंट को सपोर्ट करता है ये, वहाँ सिर्फ टिल्ट मिल रहा था, यहाँ पर आगे पीछे भी अपनी तरफ भी आप कर सकते हैं। उसके बाद ये जो MID है ना, स्टार्ट करके दिखाता हूँ, मैं स्टार्ट कर दिया मैंने, ये जो MID है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, थोड़ा सा बेटर फील होगा आपको जो, क्योंकि इसमें MID जो है कलर्ड मिलती है आपको। ये देखिए कितनी सारी जानकारी वगैरह ग्राफिक के माध्यम से देती है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है दोस्तों। खासतौर पर CNG रेशो में कितना देर पेट्रोल पर रही है, कितनी देर CNG पर रही है, CNG सिलेंडर में कितनी CNG है। वाह भाई वाह, ज़बरदस्त चीज़ है भाई, मज़ा आ जाएगा दोस्तों आपको, ये बड़ी काम की जानकारियाँ हैं। उसके बाद ये जो स्क्रीन ना, साइज सेम है 7 इंच का ही है, लेकिन ये है स्मार्ट प्ले प्रो सीरीज का। प्रो का मतलब क्या है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले प्लस कनेक्टेड कार वाले फीचर जो हैं वो इसमें सपोर्ट होते हैं। देखिए वॉइस कमांड के साथ जो अमेजिंग रहेगा। और अब कैमरे के दर्शन और कर देते हैं आपको, ऐसा कैमरा मिलता है, इसमें गाइडलाइंस तो फिक्स रहेंगी आपकी, ठीक क्वालिटी का मैं तो नहीं बोलूँगा, बहुत ज़्यादा क्लियर है ये, लेकिन अच्छी क्वालिटी का दोस्तों, ठीक ठाक काम चल जाएगा आपका। इसका टच रिस्पॉन्स भी उसके मुकाबले काफ़ी बेटर है दोस्तों, तुरंत काम करता है ये। यहाँ डैशबोर्ड में ऐसा ही कुछ हल्का हल्का ब्राउनिश शेड का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि आपका फैब्रिक का था, ये भी अच्छा फील कराता है। बाकी ये चीज़ें सेम रहेंगी आपकी, यहाँ पर भी स्विच गियर वगैरह सेम रहेंगे, ये पोर्ट्स वगैरह, ये गियर नॉब वगैरह सेम है दोस्तों। ये हल्का फुल्का सिल्वर का इस्तेमाल किया गया, अच्छा महसूस कराता है। सीटों में देखिए आगे वाली सीटों में ये टेक्सचर का इस्तेमाल किया गया है कॉन्ट्रास्टिंग में, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज तो नहीं है लेकिन हल्के हल्के चेंजेस हैं। डार्क कलर की सीटें तो सीट कवर ना मिलेगा तो भी आपको काम बराबर तरीके से चलता रहेगा। ये मैनुअल IRM यहाँ पर मिलता है आपको, सनग्लास होल्डर ये एडिशन है, VXI में नहीं मिलता आपको। ये पूरा जो देख रहे हैं पैनल आप, बहुत अच्छी बात है ये। यहाँ लाइट मिलती है वेंट मिरर के साथ को ड्राइवर सीट पर, ये अच्छी चीज़ है। और यहाँ सिर्फ टिकट होल्डर मिलता है, तो छोटे छोटे ना बहुत सारे फीचरों का फर्क है दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूँ अगर VXI CNG आप लेना चाहते हैं ना, तो 1.5 लाख रुपए ऊपर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर फीचर्स वगैरह पसंद है ना आपको, तो फिर ZXI वेरिएंट सबसे ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करता है। यदि ऐसी गाड़ी आप चाहते हैं काम चलता रहे, बेसिक फीचर मिलते रहें, तो फिर VXI की तरफ या LXI की तरफ आप जा सकते हैं। LXI VXI का CNG का वेरिएंट का मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो चैनल पे पोस्ट कर रखा है दोस्तों, उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप विजिट करके जरूर देख सकते हैं। और ZXI से जुड़े हुए कुछ सवाल थे मेरे दोस्तों के, क्योंकि पेट्रोल के साथ रिसेंटली मैंने VXI ZXI का कंपैरिजन वीडियो किया था, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्मार्ट हाइब्रिड नहीं मिलता है दोस्तों CNG के साथ, अगर ZXI लेते हैं तो ये आपकी सनरूफ है, ये अच्छी चीज़ है, बहुत बड़ी नहीं है लेकिन एक फील गुड फैक्टर जरूर देती है। तो इस प्रकार से कंपैरिजन वीडियो रहेगा दोस्तों, ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।